देश के हर हिस्से में कोरोना संकट से परेशानी, शहर शहर ऑक्सीजन के लिए जंग, दिल्ली हो या लखनऊ, हर जगह एक जैसे हालात, दिल्ली लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी। दिल्ली में लोग देश के अलग अलग हिस्सों से इलाज करवाने के लिए आते हैं, वहां आज लोग खुद इलाज के लिए तड़प रहे हैं। कोरोना के महाप्रकोप से जूझ रही दिल्ली में हर रोज हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन या तो खत्म होने की कगार पर है या फिर कुछ ही घंटों का स्टॉक बचा है। दिल्ली के जैसा ही हाल लखनऊ का भी है, जहां लोगों को घंटों ऑक्सीजन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली की हालत इस वक्त ऐसे हो गई है कि मैक्स अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई की मांग करने के लिए हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा, जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ऑक्सीजन सप्लाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऑक्सीजन की किल्लत है। गुरुवार सुबह एक तस्वीर सामने आई, जहां सहदारा की एक गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी है। यहां लोग कई घंटों से ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए खड़े हैं। अस्पताल की ओर से लगातार ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी के साथ संपर्क साधा जा रहा है। राजधानी में पहले ही मैक्स, फोर्टिस, अपोलो, सर गंगाराम जैसे कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है। इस बीच दिल्ली में आने वाली सप्लाई पर भी खासा असर देखने को मिला। कई अस्पतालों का आरोप था कि हरियाणा की जो कंपनी दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, उसे हरियाणा सरकार ने ही रोक लिया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन हरियाणा ने इन आरोपों को नकार दिया था। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि अलग अलग जगह हालात अलग हैं। किसी अस्पताल में 6 घंटे का स्टोरेज है और किसी अस्पताल में 10 घंटे का स्टोरेज है, लेकिन हालात ठीक नहीं है। दिल्ली के कई अस्पतालों में बीते दिन जब ऑक्सीजन का संकट खड़ा हुआ, तो केंद्र सरकार ने दिल्ली के कोटे में बदलाव दिया। दिल्ली को 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन तक कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया था। प्रदेश में अब ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए बोकारो से ऑक्सीजन मंगाया जा रहा है। ट्रेन के जरिए बोकारो से ऑक्सीजन सिलेंडर लखनऊ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि टैंक की संख्या बढ़ाकर जल्द से जल्द ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा किया जाए। बीती समय को ही मुरादाबाद से भी पुलिस सुरक्षा में ऑक्सीजन को लखनऊ पहुंचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।